हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा और आज हम गणित की एक प्रश्नावली करेंगे जिसका नाम है चक्रवर्ती ब्याज। यह प्रश्नावली हमने लास्ट वीडियो से शुरू की है, अभी तक हमने इसका एक टाइप किया है, आज हम इसका दूसरा टाइप करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, आज हम जो प्रश्नावली करने वाले हैं इसका नाम है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज और आज इसका हम जो करने वाले हैं टाइप नंबर दो करने वाले हैं। टाइप नंबर एक हमने करवा दिया है, तो दूसरा टाइप जो है, देखिए कल जो पहला टाइप किया था उसकी शर्त वार्षिक थी। कल जो हमने पहला टाइप किया था उसकी शर्त वार्षिक थी। और आप में से अभी तक पहला टाइप जिन्होंने नहीं देखा है ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्ले लिस्ट दी हुई है, आप क्लिक करके देख लीजिए। तो कल हमारी शर्त वार्षिक थी और हमने कुछ भी चेंज नहीं किया था, नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं किया था। लेकिन आज हमारी जो शर्त रहने वाली है वो रहने वाली है, यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो एक शब्द लिखा हुआ है, ये देखिए अर्धवार्षिक। तो आज हमारी जो शर्त रहेगी अर्धवार्षिक रहेगी, अर्धवार्षिक। तो कल जो शर्त थी वो वार्षिक थी और आज अर्धवार्षिक है। कल हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया था, नो चेंज। अर्धवार्षिक में आज हम चेंज करेंगे, दर को आधा कर देंगे और समय को दुगना कर देंगे। आज हम क्या करेंगे, दर को आधा कर देंगे और समय को क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। दोबारा बता देता हूँ, कल हमने किया था उसमें शर्त वार्षिक थी, तो वार्षिक थी तो नो चेंज, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया था। कल जो सवाल किए थे मैं दिखा देता हूँ आपको, कल ये सवाल हमने करवाए हैं, ये जी टाइप नंबर एक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो और इस पर ये लिखा हुआ स्पष्ट रूप से शर्त वार्षिक, वार्षिक शर्त थी तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया था, नो चेंजिंग। तो कल हमने टाइप एक के सवाल किए थे और आज हम टाइप दो के सवाल करेंगे, टाइप नंबर दो। तो आज हमारी जो शर्त रहने वाली है वो वार्षिक, आज अर्धवार्षिक रहने वाली है। अर्धवार्षिक का एक नाम और होता है छमाही, छमाही। तो हम आज ये करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सवाल। अब देखिए प्रश्न जो दिया हुआ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, रुपये 2000 को 8% अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए उधार लिया जाता है, एक वर्ष के पश्चात ब्याज के रूप में देय राशि क्या होगी। मतलब चक्रवर्ती ब्याज आपको ज्ञात करना है, आपके पास ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिए हुए, आपने चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए यहाँ मेन चीज़ यही है, हमें ये अर्धवार्षिक कंडीशन दी है, अर्धवार्षिक कंडीशन दी है, तो दर आधी कर देंगे, तो दर आधी कर देंगे, आठ दी हुई है, देखिए आठ दी हुई है तो आधा कर दो, दो का भाग दे दो, कितना आ जाएगा चार, तो 4% का इस्तेमाल करेंगे। समय दुगना कर दो, एक वर्ष दिया हुआ है, एक वर्ष दिया हुआ है समय, तो इसका दुगना कर दो, कितना कर दो, एक है तो दुगना कर दो, कितना आ जाएगा दो वर्ष। तो मतलब दो वाली ट्रिक लगानी है, मतलब दो वाली ट्रिक हमें लगानी है। अब देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जिन बच्चों ने कल क्लास नहीं लगाई है, मतलब टाइप नंबर एक नहीं किया है, तो आप टाइप एक कर लो, वरना आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि कल हमने दोनों चीज़ किए थे, कॉन्सेप्ट भी किया था और ट्रिक भी की थी। आज सवाल में हम जो कल हमने ट्रिक की थी ना उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से सवाल बड़ा होगा, हम ट्रिक से करेंगे, थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ जी, कल हमने जो सवाल किया था उसमें जो भी सवाल किए थे उसमें हमने कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बताई थी। तो कॉन्सेप्ट हमने बताया था तो भी आपको पता होना चाहिए चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या है। चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है मूलधन एक प्लस दर भाग 100 घात समय और माइनस मूलधन, ये चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है। इससे पूरा करेंगे तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और चक्रवर्ती मिश्रधन का सूत्र जो था ये सेम ही होगा,
बस माइनस मूलधन नहीं आएगा, जितना मैंने डायरेक्ट किया ये अंडरलाइन किया है उतना ही होगा, माइनस मूलधन नहीं होगा। तो इससे करेंगे तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, बात है ट्रिक से करें। तो कल मैंने ट्रिक बताई थी तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो वीडियो कल वाले ज़रूर देखें, उसके बिना आपको समझ नहीं आएगा। तो हमें क्या दिया है, 2000 रुपये ये मूलधन है, 2000 मूलधन है, 8% है, अर्धवार्षिक के कारण हमने कितना कर दिया आधा 4%, और एक वर्ष है तो दुगुना कर दिया 2 वर्ष, तो 2 वर्ष है तो 2 वाली ट्रिक लगेगी। तो 2 वाली जो ट्रिक है कल बताया था, 2 की ट्रिक कुछ इस तरह से है, 2.1, ये बस इतनी ट्रिक है, 2.1 कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 1। तो सवाल मैंने दोबारा रिपीट किया, देखो 2000 का कितना परसेंट, यहाँ 8 लिखा है तो आधा 4%, हाफ करके चल रहे हैं 4%, 2020 काट दो कितना जीगा 80, और अब 80 का इसको 80 को आगे ले जाओ, 80 का 4% 00 काट दें, 8 चौके 32, 10 का भाग दोगे 3.2। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 दिन 16 160, और 3.2 का गुणा करोगे जब 1 से तो 3.2, इनको जोड़ दो 163.2, और आगे कुछ नहीं 0 लगा सकते हो, 163.2 और आगे 0, तो ये होगा हमारा ब्याज। इसने एक वर्ष के पश्चात ब्याज के रूप में देय राशि बची है, देखो ऑप्शन में है क्या 163.20, तो 163. यही है पर 20 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, जल्दबाजी में मत करना, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो ये हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हमें मिश्रधन निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2000 में 163.20 जोड़ देंगे, तो 3, 6, 1, 2, 2163.20 ये हमारा आंसर आ जाएगा, 2163.20 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आपको सवाल करवा दिया, अगला सवाल मैं दे देता हूँ आपको। हाँ जी, अगला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पढ़िए आप सवाल को। हाँ जी, सवाल क्या दिया हुआ देखिए, ₹5,000 पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, संयोजित किया जाता है, मतलब आज हम टाइप नंबर 2 में जो भी सवाल करने वाले हैं वो सारे अर्धवार्षिक, इसको 6 माही भी बोलते हैं, तो अर्धवार्षिक के करने वाले हैं। चलिए तो आप बस 2 मिनट है, करके दिखाइए फटाफट, चलिए आप कीजिए जल्दी से। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ आपका, जल्दी से करके कमेंट कीजिए, फटाफट कीजिए, आपको स्क्रीन पर सवाल दिख ही रहा है। हाँ जी देखिए, किया होगा आपने, ₹5,000 पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 10%, देखो अर्धवार्षिक है तो 10% का कितना कर दोगे, 5% कर दोगे, और 2 वर्ष है, देखो दर आधी कर दी, समय दुगना कर दें, अब यहाँ बड़ी बात है 2 वर्ष है तो 2 के लिए दुगना करें 4, तो सबसे बड़ी बात आप को दिक्कत ही आ रही है सर, 4 वाली ट्रिक बताई नहीं भी, देखो अर्धवार्षिक है ना तो दर आधी, 10 की जगह यूज करोगे 5, समय दुगना तो 2 की जगह 4, तो 4 की ट्रिक लिखा देता हूँ, 4, 6, 4, 1, 4, 6, 4, 1, इसका इस्तेमाल करो, करो सबस जल्दी कीजिए, वैसे ही करना जैसे 2, 1 का किया था, जैसे 2 के लिए हमने किया था 2, 1, 3 के लिए किया था 3, 3, 1, तो जल्दी से कीजिए 4, 6, 4, 1 का कीजिए, फटाफट कीजिए। हाँ जी, इस तरह से बना लीजिए 4, 6, 4, 1, और कितने रुपए कितने दिए मैं, 5,000, और 5,000 का कितना परसेंट, 5%, 5,000 का 5%, ये आ गया आपका कितना, 250।
कितना आ गया 250। अब 250 को आगे ले चलिए, 250 का कितना परसेंट, वही 250 का 5%, 5% 0 0, 1 0 से 1 0 काट दी, 1 0 बच गया, 25 5 125, 125 में 10 का भाग दो, 125 में 10 का भाग दो, 12.5, 12.5, चलिए 12.5 तक ठीक है। आगे चलिए 12.5 का 5%, जीरो तो है ही नहीं, पहले गुणा कर दो, 5 का 5 से गुणा किया, 25, 5 दूनी 10, 11 12 असल 1, 5 और 1 6, और यहाँ 62, ये दशमलव आ गया बटा में 2, 2 0 काटेंगे तो दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 0.625, 0.625 यहाँ तक सही है। 0.625 का 5% फिर निकालो, पहले गुणा कर लो, 5 का 5 से गुणा करें, 25 2 5 10 11 12 30 और 1 31 और दशमलव यहाँ है, 100 का भाग दो, 100 का भाग दो तो 1 0 एक्स्ट्रा लगा लो, क्योंकि 2 0 काटेंगे तो पॉइंट यहाँ से 2 इधर यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 और लगा लो, लगाने दो, ये आ गया 0.03125। और चक्रवर्ती ब्याज है तो जोड़ दो, जोड़ो क्या अभी तो मल्टीप्लाई करो, सॉरी क्योंकि ये लास्ट में आके जल्दबाजी ये मत कर देना, गुणा करना है। अब क्यों लग रहा होगा सर कंसेप्ट करते तो ईजी होता, तो आप कॉन्सेप्ट करके देख लीजिए, इससे बड़ा ही होगा। 250 को 4 से गुणा करेंगे तो 1000 होता है, 250 चौके पाइया पाइया है, 4 बार करेंगे तो 1 किलो हो गया ना। 12.5 का गुणा करो, 6 5 30, 80 3, 6 3 12, 13 14 15, 6 और 1 7, 75 आ गया। आगे 5 के 20, 80 2 8 10, 80 1, 24 और 1 25, ये 2.5 आ गया, 2.5 आ गया। और आगे इस पर ये सेम ही आएगा, चलिए इस सवाल मैंने ऊपर वाला ही रिपीट किया था, 1000 लिखा हुआ है, ये 75 आ गया, 2.5 आ गया, 0.03125, टोटल कर दो 5 2 1 3 5, और 5 और 2 7, 7 और 10, 10 73 53 125, देखो कहीं है क्या, 10 73 53 125, ये रहा 10 73 53 125, ऊपर देख लो 10 73 53 125। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया, ये पूछा था हमसे चक्रवर्ती ब्याज निकालें, तो चक्रवर्ती ब्याज निकाल लिया हमने, कोई डाउट है तो बोल सकते हो, बिल्कुल सही आंसर है 177.53 125। चलिए स्क्रीन पर अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न बोल देता हूँ, ₹5000 का 4% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें, यदि ब्याज 6 माही संयोजित किया जाता है, 6 माही संयोजित किया जाता है, 6 माही बोल दो, अर्धवार्षिक बोल दो, एक ही बात है। अब ये सवाल है आपके सामने, जल्दी से आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से कीजिए, फटाफट कीजिए, पहले आपके कमेंट देखेंगे फिर उसके बाद करवाएंगे, कीजिए सबस। हाँ जी जल्दी से कीजिए, सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप अपने कीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आपको ये दिखा 6 माही, यानी आपको पता लग गया अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का दर आधा कर दो 4 है, 4 का आधा कितना कर दो 2 कर दो, और समय दुगुना कर दो, 1 वर्ष है दुगुना 2 कर दो, 2 वाली ट्रिक लगा लो, कॉन्सेप्ट कर सकते हो सूत्र लगा के, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कॉन्सेप्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के चक्कर में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, नई चीज़ें सीख जाओगे थोड़ा टाइम लगेगा। 2 1, 5000, और 5000 का कितना परसेंट, 2%, क्योंकि आधा कर दिया ना 2%, 2 0 2 0 काट दो, 0 5 10, 100 आ गई। अब 100 को आगे ले चलो, 100 का 2%, तो 100 का 2% तो 2 ही हो गया, और यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखा करो, यहाँ मल्टीप्लाई करना, आप जल्दबाजी में यही मत जोड़ देना, 100 का 2 से गुणा करें 200, और ये 2 है तो टोटल कितना का 202, 202 आपका इंटरेस्ट आ गया, आपका 202 इंटरेस्ट आ गया, आपसे पूछा गया इंटरेस्ट ही पूछा भी, चक्रवर्ती ब्याज क्या था, तो 202 ऑप्शन से, और वही मिश्र धन पूछ लेता तो क्या करते, मिश्र धन पूछता तो 5000 जोड़ देते, 5000 अगर जोड़ देते तो कितना आता, 5202, ये हमारा क्या आ जाता, मिश्र धन आ जाता, मिश्र धन। चलिए ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं।
प्रश्न नंबर चार। प्रश्न चार आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। प्रश्न नंबर चार, रुपये 3,000 को 6% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए उधार लिया गया, एक वर्ष पश्चात देय राशि क्या होगी? एक वर्ष पश्चात देय राशि क्या होगी? तो एक वर्ष पश्चात देय राशि क्या होगी, जल्दी से आप पहले करके दिखाइए। आपको अर्धवार्षिक दिख रहा है, ये रहा अर्धवार्षिक लिखा हुआ। जल्दी से दर आदि करें, समय दोगुना करें और सवाल करके दिखाएं। करिए जल्दी कीजिए आप, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से ये करके दिखाइए आप। हाँ जी जल्दी से कीजिए। देखिए साथ साथ में हेल्प कर देते हैं आपकी। दर 6% दी है तो 6% का आधा कितना हो जाएगा, 3%। और ब्याज जो है वो एक वर्ष के लिए दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 2। समय दुगना दर आदि, तो 2 वाली ट्रिक लगा दो, कितना आसान है ये, तो 2 की ट्रिक लगा दो, 2 1 2 1, तो कितना है 3,000, और 3,000 का कितना परसेंट, 3%, तो कितना गया 90 आ गया। ये 90 और 90 का आप आगे निकाल लो, 90 का कितना परसेंट, 3%, 0 0 काट दें, 9 18 9 होती है 27 बटा 10, 0 काट दो, पॉइंट कितना जगह 2.7, 2.7। चलिए कर लीजिए। हाँ जी कितना जगह, 9 को 2 से गुना करें, 9 2 18 180, और ये आ गया 2.7। टोटल कर लीजिए कितना जगह, 182.7, 182.7, ठीक है, 182 जो है और 0.7 उसके बाद में 7, 182.7 बिल्कुल सही है। चक्रवर्ती ब्याज पूछा था ना, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल कीजिए, स्क्रीन पर है आपके सामने, जल्दी से कीजिए। एक ही तरीके के सवाल करवा रहे हैं, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है। अर्धवार्षिक, आज के सवाल की शर्त थी अर्धवार्षिक, 2 वर्ष में 20% की दर से 1,00,000 रुपये गया, सॉरी 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये की राशि पर कितना ब्याज उपचित होगा, ब्याज कितना होगा, सिंपल है, कितना दिया हुआ है 2 वर्ष का, तो आप क्या करोगे, दर आधी करो, 20% आधा 10% कर लो, समय दुगना करो, 2 वर्ष या 4 वर्ष, 4 वाली टिक लगा दो, 4 6 4 1। चलिए आप कीजिए, तब तक वेट कर रहा हूँ मैं, तो कीजिए शाबाश कीजिए। हाँ थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, इस तरह से एक लाइन लगाओगे, 4 लिखिए साथ साथ में कीजिए, 4 6 4 1। देखो जो स्टूडेंट साथ साथ में कर रहे हैं ना, वो तो इसका फ़ायदा उठा रहा है, बाकी तो सिर्फ देख रहे हैं, फ़ायदा वाली बात नहीं होगी। तो 10,000, हाँ जिनको आता है, बहुत स्पीड बनी हुई ऑलरेडी कर रखा है, वो एक अलग बात है, नहीं तो बराबर कीजिए। 10,000 का 10% करें, कितना जगह 1,000 आ जाएगा, फिर 1,000 का कितना 10% करें, 1,000 का 10% करें, कितना जगह 100 आ जाएगा, फिर 100 का 10% करो, 100 का 10% करें, कितना 10, और फिर 10 का 10% करें, कितना आ जाएगा 1। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर दो, 1,000 का 4 से गुना करेंगे 4,000, 6 का 100 से गुना करेंगे 600, 4 का 10 से गुना करेंगे 40, और 1 जोड़ दो। अब इसको, इसको जोड़ोगे तो ये आ गया 4 6 4 1, ये लो जी, इसको जोड़ोगे तो 46 41 है क्या कहीं, 46 47, ऑप्शन नंबर डी आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अर्धवार्षिक ये पूछा था, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए तो 2 वर्ष में 20% की दर से 10,000 रुपये की राशि पर कितना ब्याज उपचित होगा, 4,641 रुपये उपचित होगा। तो जो आप तरीका करते हो ना, उससे ये लाख गुना अच्छा है, प्रैक्टिस की बात है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने शुरू किया था चक्रवर्ती ब्याज का टाइप नंबर 2, चक्रवर्ती ब्याज का टाइप नंबर 2, और आज की जो शर्त थी अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। कल जो हमने किया था वो वार्षिक थी, वार्षिक में नो चेंज, यानी टाइप एक के सवाल थे ना, टाइप एक के सवाल उनमें वार्षिक शर्त, और आज टाइप 2 में अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में हमने क्या किया, दर को आधा किया और समय को दुगना किया, दर को आधा किया और समय को दुगना किया,
समझ पा रहे हो, दर आधी और समय दुगुना। तो आज हमने ये 5 सवाल किए हैं और आगे के जो सवाल हैं, टाइप नंबर 3 आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहे हैं, ये सवाल हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। आपके लिए 5 सवाल होंगे जो कि त्रैमासिक के हैं। जो किसके हैं? त्रैमासिक। जब टाइप 3 करेंगे तो वो सवाल होंगे त्रैमासिक 3 माही के। तो ये सवाल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने हमारी सारी वीडियो नहीं देखी है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, प्लेलिस्ट दी हुई आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करेंगे आपको वीडियोज मिल जाएगी। तो चक्रवर्ती ब्याज में हमने 2 टाइप कर लिए हैं, टाइप एक और टाइप दो। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे लग रहे हैं आपको सवाल? समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, और आप अपने भी जो सवाल हैं, आपके डाउट्स हैं, वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।